हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो आज पॉलिटी का टॉपिक है वो हर एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन। वो सारे पहलुओं को हम देखेंगे और सारे फैक्ट्स को देखेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सबसे पहले इसका देखते हैं ये टॉपिक क्या है। नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज। हम लोग एससीज और एसटीज को एक ही साथ देखेंगे। दरअसल जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसके कुछ साल बाद 1990 में नेशनल कमीशन ऑफ एससीज एंड एसटीज का प्रोविजन किया गया था। इसके बारे में अगर मैं बता दूं तो उस समय आर्टिकल 338 ही था, लेकिन आगे चल के ये बटा, क्योंकि जो एससीज होते हैं और एसटीज उनमें काफ़ी डिफरेंसेज होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो एसटीज होते हैं उनके लिए स्पेशल संविधान में प्रोविजन करना जरूरी हो गया था, इसलिए इसे बांटा गया। इन सारे पहलुओं को हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, एक संवैधानिक ऑफिस है। तो आपसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, ये क्लियर होना चाहिए कि ये संवैधानिक ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में आर्टिकल दिया हुआ है, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद कौन सा आर्टिकल है, 348, ठीक है, ये एससीज को है। और 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2003 में, मैंने अपने इसी चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, एक क्लास पूरी है, उसे आप देखेंगे तो उससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, उसी सवाल का रिविजन हो रहा है आपका। तो 89वां संविधान संशोधन जो है 2003 में जो हुआ था उससे एससी और एसटी के लिए अलग अलग कमीशन बट गए। तो मैंने यहाँ लिखा है नेशनल कमीशन, इधर एससीज है और इधर एसटीज। इनके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, इनकी जो वर्किंग एंड कैपेसिटी फंक्शन है वो लगभग सारे के सारे सेम है। नंबर ऑफ मेंबर और चेयरपर्सन सब कुछ सेम है। कुछ चीज़ें बस इसमें डिफरेंस यही है कि ये बाद में बट के अलग हुआ, और ये कुछ सिमिलर चीज़ें हैं उनको पहले देख लेते हैं। इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, कोई डिफिनिट कार्यकाल नहीं होता है, प्रेसिडेंट जब चाहे तब इन्हें हटा सकते हैं। और इनका सर्विस कंडीशन भी राष्ट्रपति ही डिसाइड करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, एक बहुत बेहतरीन ग्राफ बना दिया है, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा इनका कार्यकाल डिसाइड किया जाता है, सर्विस कंडीशन भी डिसाइड किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो पहली चीज़ ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, आर्टिकल 338 और 338A। दूसरी चीज़ है कि इसके 5 मेंबर होते हैं दोनों में, एससीज में और एसटीज में, दोनों में 5 मेंबर होंगे, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अलग से मेंबर, ये 5 लोग टोटल होंगे इसमें और इसमें दोनों में। अब आते हैं पावर की बात, इसके क्या क्या पावर होते हैं, क्या क्या अप्लीकेशन होते हैं, कहाँ कहाँ ये लागू होता है। तो ये एक सिविल कोर्ट की तरह काम करते हैं, इनके फंक्शन देखेंगे तो सिविल कोर्ट की तरह क्यों, आपको क्लियर हो जाएगा। सिविल कोर्ट ये किसी को समन कर सकते हैं, किसी के लिए डॉक्यूमेंट के लिए किसी को कह सकते हैं, विटनेस को बुला सकते हैं, विटनेस को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, इस तरीके की बातें। फंक्शन की अगर बात करें, इनका कार्य क्या है, तो फंक्शन जहाँ तक है इन्वेस्टिगेशन करना, मॉनिटर करना और लीगल सेफगार्डों को। जब संविधान बना तो उस समय ऐसा कुछ स्पेशल प्रोविजन था, उन सारे प्रोविजन्स को मॉनिटर करना कि ये अच्छे ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। किसी स्टेट में अगर एससी एसटीज पे कुछ भी किसी भी तरीके का कोई एक्टिविटी हुआ है तो उसको मॉनिटर करना, देखना कि वहाँ ज़्यादा वायलेशन तो नहीं हुआ, और उस तरीके के रेगुलेशन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को सजेशन देना, रिपोर्ट देना, ये सबसे बड़ा काम है। तो ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा अगर किसी भी तरीके का वायलेंस या फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये एससी एसटी कमीशन का काम है। दूसरी चीज़ है इंक्वायरी करना, कोई भी अगर एक्टिविटी हो गया तो नेशनल कमीशन ऑफ एससी जो है एसटी वो स्टेट गवर्नमेंट से इंक्वायरी करती है, उस डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करती है जहां वो हुआ है, या फिर जिलाधिकारी या जो भी अवेलेबल जो वहां के डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनसे वो बात करती है, इंक्वायरी रिपोर्ट मांगती है। आप तरह तरह के सुनते होंगे, कई बार ऐसा होता है रिपोर्ट आते रहते हैं पेपर में और उनके द्वारा मांगा जाता है, तो ये इंक्वायरी उनका काम होगा। दूसरा चीज़ होता है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों को जब स्टेट एससीज और एसटीज के लिए कुछ स्पेशल प्लानिंग बनानी होती है और करना होता है तो उस समय वो डेफिनेटली एससीज और एसटीज के जो कमीशन है उनके हेड से, उनके मेंबर से बात करते हैं। आपने देखा होगा रिसेंट के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं वो काफ़ी सारे एससी और एसटीज के लिए हैं, तो उन सब का कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन हुआ, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, इन सब का सजेशन जो है प्लानिंग प्रोसेस में वो नेशनल कमीशन ऑफ एससीज और एसटीज के द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन फैक्ट है, एकदम याद रखिएगा। फिर दूसरा जो है, ये रिपोर्ट किसे करते हैं, तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने के साथ ये भी रिपोर्ट करते हैं कि
क्या क्या इससे स्टेप लिए गए, क्या क्या पावर्स यूज किए गए, इन सारे रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट आगे पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं इस बात के साथ कि कौन से स्टेप लिए गए और कौन से नहीं लिए गए, उनका रीज़न क्या था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर किसी भी मामले पे ये रिकमेंडेशन, मतलब संस्तुति करते हैं कि ये एक्शन लिया जाए, इस तरीके के जितने भी काम होते हैं रिकमेंडेशन का नेशनल कमीशन ऑफ एसटीज के अंतर्गत आता है। और इसके अलावे और भी काम को ये देखते हैं, जैसे कि किसी भी प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी निर्देशित काम जो रिकमेंड किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा कि आपको ये करना है, आप इस मामले को देखें, तो वो भी ये देखते हैं। कुल मिला के ये इनका फंक्शन हो जाता है, इन सब तरह के काम को ये देखते हैं। इनका पावर जो है एज अ सिविल कोर्ट होता है। अब आप समझेंगे मैंने सिविल कोर्ट क्यों किया, क्रिमिनल कोर्ट इनके अंतर्गत नहीं आता है, वो कोर्ट में डायरेक्ट केसेज होते हैं। तो इस तरीके से सबसे अच्छा सवाल ये पूछा जाता है कि इसकी पावर जो है सिविल कोर्ट की तरह है या क्रिमिनल कोर्ट की तरह है। आर्टिकल 338 ये जरूर याद रखिएगा, 79 संविधान संशोधन द्वारा इसे बांटा गया था और कार्यकाल और सर्विस जो है प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किए गए थे। एक स्पेशल बात जो है यहाँ मैं बताऊँगा, नेशनल कमीशन ऑफ एससी जो है अभी तक ये ओबीसी, चूंकि नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी का नहीं बना था तब तक, ये इनका भी मामला देखती थी और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी रिलेटेड जो मामला होता था वो भी नेशनल कमीशन ऑफ एससी देखती थी। लेकिन अभी रिसेंट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अलग आयोग बना दिया है, उसका 338 बी आर्टिकल में यूज होगा, नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी। तो ये मामला अब इनके हाथ से निकल गया है। लेकिन एंग्लो इंडियन से रिलेटेड अगर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस या उनके अधिकारों का हनन होता है, जिस तरीके से इनके अधिकारों का हनन होने पे ये अवेलेबल थे, तो एंग्लो इंडियन के लिए भी ये नेशनल कमीशन ऑफ एससीज है, ना कि एसटी। एसटीज का पूरा मामला सेपरेट है। तो ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में हमने सारे करा दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।